अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको एक अच्छा फेस पैक बनाना सिखाऊंगी जो कि आप घर पे इजीली बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चलते हैं हम अपने फेस पैक की तरफ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है रोज़ पेटल्स जो कि हम इजीली मिल सकते हैं। रोज़ पेटल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, स्मूथ सॉफ्ट कर देते हैं और इसके अलावा रोज़ पेटल्स में विटामिन सी होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो नरिश करते हैं हमारी स्किन को। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर जो होता है वो हमारी स्किन से सन टैन को रिमूव करता है। इसके अलावा जो स्किन में डर्ट होती है उसको रिमूव करता है। डर्ट की वजह से पिंपल्स और ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये उनको रिमूव करता है और स्किन को एक इवन टोन देता है, यानी कि डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल जो कि एक्ने को रिमूव करता है। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसके अलावा डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम लेंगे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क जो होता है वैसे तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिनके फेस पे एक्नी है उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक्नी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, तो इसलिए आप इसकी बजाय क्लिनजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं चौथे इंग्रेडिएंट की तरफ जो है ओलिव ऑयल। ये पिंपल्स को रिमूव करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, उसके अलावा डार्क सर्कल जो होते हैं उनको ठीक करता है और ये एक फेस को एक शाइनी लुक देता है। अब हम आते हैं फेस पैक बनाने की तरफ। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे रोज पेटल्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क। आप इसके बजाय क्लींजिंग मिल्क भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे ग्राइंड करना है कि इनका एक पेस्ट बन जाए। अब हम एक बाउल में एलोवेरा जेल ले लेंगे। ये 3 to 4 स्पून हमें एलोवेरा जेल लेनी है। ये देखिए मैंने 3 to 4 स्पून एलोवेरा जेल ले ली है। साथ में आपको एक टिप देती चलो, एलोवेरा जेल में लेमन जूस ऐड करके आप रोज़ाना सोने से पहले अपने फेस पे लगाएं और फिर अपने फेस का ग्लो चेक करना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने रोज पेटल्स और मिल्क का जो पेस्ट बनाया था हम वो इसमें ऐड करेंगे। इसकी भी हम 2 to 3 स्पून हम ये पेस्ट ले लेंगे। अब हम लेंगे राइस फ्लोर यानी चावल का आटा जो होता है उसे मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, वो हमने तकरीबन 1 स्पून ले लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ऑलिव ऑयल। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, हमारा फेस पैक तैयार हो चुका है। हम इसे 10-15 मिनट के लिए चेहरे पर रहने देंगे और फिर जैसे हम स्क्रब यूज़ करते हैं वैसे हम इसकी स्क्रबिंग करके इसको मुंह को वॉश कर लेंगे। बना के आप इसे एक मंथ कंटेनर में फ्रीज़र में रख दें और एक वीक तक आप इसे यूज़ कर सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।